my dearies, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. In our previous video lecture, we have discussed about Age of Revolutions, where we have seen how liberals overthrew conservative regimes or government and installed, or we can say established, constitutional monarchy, whose head was Louis Philippe. And simultaneously, we have seen few examples like how Belgium got separated or got independence from Netherlands. And secondly, we have seen example of Greece and discussed how Greece got independence and which treaty has declared Greece as an independent nation. So students, I hope by now you must have seen that video. If not, then do check that out. So students, जैसा कि आप जानते हैं, history without violence is incomplete. तो हमने ये तो अभी तक देखा ही है कि all over the Europe लोग autocratic rule से हटकर nation state में convert होना चाहते थे and अपने को आज़ाद कराना, एक independent nation state में convert कराना इतना आसान नहीं था, as it was quite challenging and for that उन्होंने काफ़ी struggle भी किया. इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी, इतने सारे लोगों ने सैक्रिफाइस किया एंड वॉट नॉट. बट स्टूडेंट्स, क्या आज़ादी सिर्फ वॉर करके ही पाई जाती है? आई होप योर आंसर विल बी नो. एंड आई एम श्योर, अगर आपने नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा है तो गांधी जी के आइडियाज़, मेथड्स तो आप जानते ही होंगे, बिकॉज ही ऑलवेज इंकरेज नॉन वायलेंस प्रैक्टिसेस. तो आज का जो सब टॉपिक है नेशनलिज्म इन यूरोप का, वो वॉर से हटकर कुछ प्यार भरी फीलिंग्स का है, कुछ नेशनलिस्ट और देशभक्ति, देश प्रेम के लिए है. सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड. Students, as you can see in the slide, the development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion. Culture played an important role in creating the idea of the nation. Art and poetry, stories and music helped express and shape nationalist feeling. So students, jaisa ki maine abhi aapko introduction mein bataya कि नेशनलिज्म की फीलिंग सिर्फ वॉर लड़कर या टेरिटरीज एक्सपैंड कर या कैप्चर कर तक ही सीमित नहीं था. इसके अलावा कल्चर, ट्रेडिशन, पोइट्री, आर्टिस्ट, इन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन ने भी बहुत हेल्प की नेशनलिस्ट फीलिंग इन्फ्यूज़ कराने में लोगों के दिल में. एंड दिस इज़ डन बाय द कल्चरल मूवमेंट कॉल्ड रोमांटिसिज्म. चलिए स्टूडेंट्स, अब जानते हैं कि रोमांटिसिज्म क्या होता है. सो स्टूडेंट, एज यू कैन सी इन द स्लाइड, रोमांटिसिज्म इज़ अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट. सो स्टूडेंट, जैसा कि आपने अभी स्लाइड में देखा, रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट चलाया गया था यूरोप में. जो पोएट होते थे, आर्टिस्ट होते थे यूरोप में, वो अपनी पेंटिंग्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, डांसेस के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग भरते थे. इन शॉर्ट, इस मूवमेंट में कल्चर को बेस बनाते हुए लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना को पैदा कराया गया था. चलिए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं. सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन द स्लाइड, Romantic artists and poets generally criticized the glorification of reason and science and focused instead on emotions, intuition and mystical feelings. Their effort was to create a sense of a shared collective heritage, a common cultural past as the basis of a nation. So student, is romanticism mein, ya you can say is cultural movement mein, जो रोमांटिक आर्टिस्ट होते थे, पोइट्स होते थे, जो रोमांटिसिज्म में बिलीव रखते थे, वो यूजुअली साइंस, रीजनिंग, कैलकुलेशंस या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को इग्नोर करते थे एंड इवन उनकी एप्रिसिएशन को काफ़ी क्रिटिसाइज किया करते थे. एज
दीज थिंक लैक्स इमोशंस, क्योंकि काफ़ी लॉजिकल होता है. जबकि अगर हम रोमांटिसिज्म मूवमेंट की बात करें तो उसमें इमोशन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, एज इट इन्वॉल्व्स ऑल द सेंटिमेंट्स लाइक मिस्टिकल फीलिंग्स, मैजिक, इंट्यूशन, इमोशंस एक्सेट्रा. चलिए लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. एक जगह मान लो साइंस स्टूडेंट है एंड दूसरी जगह ह्यूमैनिटी स्टूडेंट है, तो साइंस स्टूडेंट हर चीज़ में लॉजिक ढूंढेगा, वेयर एज एक आर्ट स्टूडेंट, ह्यूमैनिटीज़ का जो स्टूडेंट है वो इमोशंस, क्रिएटिविटी जैसी चीज़ों पे फोकस करेगा. सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. एंड द मोटो बिहाइंड दिस कल्चरल मूवमेंट वॉज टू डेवलप अ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज. सेम एथनीसिटी होनी चाहिए विदाउट एनी डाइवर्सिटी. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. एंड बेसिकली इन सारे यूरोपियन कंट्रीज़ का एक ही तो मोटिव था, दैट इज़ नेशन स्टेट में कन्वर्ट होना. नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है आई होप बाय नाउ आपको समझ आ गया होगा प्रीवियस वीडियो से. चलिए इसके बारे में और जानते हैं. सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन द स्लाइड, अदर रोमांटिक्स सच एज द जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रेड हर्डर 1744-1803 claimed that true German culture was to be discovered among the common people thus walk. It was through folk songs, folk poetry and folk dances that the true spirit of the nation, Volksgeist, was popularized. So collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project of nation building. So student, जैसा कि अभी आपने स्लाइड में देखा, एक रोमांटिक पोएट थे, आर्टिस्ट थे और जर्मन फिलोसोफर थे जिनका नाम था जोहान गॉटफ्रेड हर्डर. अकॉर्डिंग टू हिम, अगर किसी को ट्रू जर्मन कल्चर को डिस्कवर कराना है तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉमन पीपल के थ्रू ही किया जा सकता है, जिन्हें जर्मन लैंग्वेज में दास वॉक कहा गया है. सो स्टूडेंट, इन यूरोप इट वॉज डन थ्रू फोक सॉन्ग्स, पोइट्री, डांसेस विच पॉपुलराइज द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन. इन जर्मन लैंग्वेज वी कॉल्ड इट एज वॉक जीस्ट. सो स्टूडेंट्स, हर्डर का मानना था कि एक ट्रू जर्मन कल्चर को आप लोगों के बीच में ही पा सकते हो बाय कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ कल्चर. अपार्ट फ्रॉम दिस, द एम्फसाइज ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर वॉज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशियंट नेशनल स्पिरिट बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंसेस who were mostly illiterate. So students, इस cultural movement का मकसद सिर्फ और सिर्फ local language या vernacular language and local folklore collection तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस movement का aim ancient nationalist spirit को recover कराने के साथ साथ modern nationalist message को पहुँचाने का था, लोगों को, आम जनता को अवेयर कराने का था, उनके अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट भरने का था, जो कि लार्जली वहाँ पे जो पॉपुलेशन थी, ऑडियंसेस थी, आम जनता थी, वो मेजरली अनपढ़ थे, इलिटरेट थे, तो उनको एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नेशन स्टेट की वैल्यू, इम्पोर्टेंस को समझाने का था. आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा. And this can be seen easily in the case of Poland. So as you can see in the slide, this was especially so in the case of Poland, which had been partitioned at the end of the 18th century by the great powers Russia, Prussia and Austria. Even though Poland no longer existed as an independent territory, national feelings were kept alive through music and language. So student, अगर हम पोलैंड का केस देखें जो कि पार्टीशन हो गया था 18th सेंचुरी में ग्रेट पावर्स द्वारा, जो रशिया, प्रूशियन, ऑस्ट्रिया थी. However, students, पोलैंड इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं रहा था, बट देन ऑल्सो वहाँ पर लोगों के अंदर जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स थी उसको जगाए रखा थ्रू म्यूज़िक एंड लैंग्वेज. सो कल्चर को बेस बनाते हुए वहाँ पे जो लोगों की नेशनलिस्ट फीलिंग थी वो जागृत रही.
चलिए स्टूडेंट, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। कैरल कर्पिन्स्काई फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू इट्स ऑपरास एंड म्यूजिक, टर्निंग फोक डांसेस लाइक द पोलोनाइज एंड द मजूरका इंटू नेशनलिस्ट सिंबल्स। सो स्टूडेंट्स, जो कैरल थे उन्होंने नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया उनके ओपरास के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, कॉन्सर्ट करके, एंड उन्होंने फोक डांसेस जैसे कि पोलोनाइज हो गया, मजूरका हो गया, इसको नेशनलिस्ट सिंबल के तौर पे दर्शाया और लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, पोलैंड में लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। एज यू कैन सी इन द स्लाइड, लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। After Russian occupation, the Polish language was forced out of schools and the Russian language was imposed everywhere. In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed. Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. So, students, जब रशिया ने पोलैंड को कैप्चर किया एंड उस पर अपनी डोमिनेंस बनाई तो पोलैंड में काफ़ी डिस्टर्बेंसेस पैदा हो गई। इनफैक्ट पोलैंड के स्कूल्स में उनकी लोकल लैंग्वेज पोलिश लैंग्वेज को हटाकर रशियन लैंग्वेज को इम्पोज करा दिया गया, थोप दिया गया बच्चों पे और टीचर्स पे। एंड इवन जब 1831 में पोलैंड के क्लर्जीज ने रिवोल्ट किया, इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई, तो उनकी इन एक्टिविटीज़ को सप्रेस करा दिया गया। सो इसी लैंग्वेज का मुद्दा बनाते हुए पोलैंड के लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग्स और भर गई और लैंग्वेज को आधार मानते हुए, बेस बनाते हुए क्लर्जीज ने यूज़ किया इसे एज अ वेपन फॉर नेशनल रेजिस्टेंस। आई होप आपको स्टूडेंट क्लियर हो रहा होगा। Apart from this, Polish was used for church gatherings and all religious instruction. As a result, a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russian. The use of Polish came to be seen as a symbol of the struggle against Russian dominance. So, students, पोलैंड में जो प्रीस्ट थे, पंडित थे, बिशप्स थे, हाई कास्ट पंडित जो थे, उन सब ने पोलिश लैंग्वेज को ही कंटिन्यू रखा चर्च गैदरिंग्स में, इंस्ट्रक्शंस में, एंड बिल्कुल भी ओबे नहीं किया रशियन अथॉरिटीज़ को एंड कम्प्लीटली डिसओबे किया रशियन लैंग्वेज को। सो एज अ रिजल्ट जो रशियन अथॉरिटी थी उन्होंने इन पंडित को, क्लर्जीज को पनिश किया, जेल में भेज दिया, साइबेरिया सेंड करा दिया फॉर नॉट प्रीचिंग इन रशियन लैंग्वेज। सो इन पोलैंड द यूज ऑफ पोलिश लैंग्वेज कैन बी सीन एज अ नेशनल सिंबल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉय टुडेज टॉपिक। इफ यू डिड सो देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द लाइक बटन, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।